मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। वेलकम टू आमी क्रेजी तड़का, मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, जो मेरे कुछ खास व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी। तो आप भी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें और आई एम श्योर आपकी जो चिकन बिरयानी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। और अगर आपको भी ये डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो ठीक नीचे है। और सब्सक्राइब के बाजू में हम देख सकते हैं कि बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारे अपडेट्स मेरी रेसिपी की आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए ये बनाते हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, इसको साफ़ पानी से मैंने धो दिया है। चार बड़े कांदे, इसको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है लंबे लंबे, और इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। 300 ग्राम बासमती चावल, इसको मैंने साफ़ पानी से अच्छे से धो के और इसको मैंने 15 मिनट तक भिगोया है। और ध्यान रहे 15 मिनट से ज़्यादा इसको ना भिगोए आप। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, इसमें मैंने तेजपत्ता, दालचीनी, ये सब मैंने यहाँ पे लिया है, शाहजीरा, काली मिरी, लवंग, इलायची, फूल, ये सब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, और यहाँ पे चिकन बिरयानी मसाला मैंने लिया है और ये दो छोटे चम्मच लिए हैं, कौन से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। नमक स्वाद अनुसार, एक कटोरी दही, दो टमाटर बारीक कटे हुए, दो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लिया, इस तरह से मैंने टुकड़ों में काट लिया है उसको। अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैंने एक इंच अदरक का इतना टुकड़ा और एक पूरा जो लहसुन होता है उसका मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। और चार बड़े चम्मच तेल लिए मैंने यहाँ पे, और दो बड़े चम्मच प्योर घी, और यहाँ पे मैंने एक पटाटो ले लिया है, उसको मैंने इस तरह से चार टुकड़ों में काट लिया है, ये ऑप्शनल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो यहाँ पे आधा किलो चिकन है, उसमें हम डालेंगे दही, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चम्मच, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा पाउडर एक छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक छोटा चम्मच, चिकन बिरयानी मसाला, या आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, दो छोटे चम्मच डाले मैंने यहाँ पे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर दो टमाटर इस तरह से मैंने इसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है, फ्राइड अनियंस डालेंगे इसमें, यहाँ पे मैंने आधे ही अनियन यूज़ किया है और आधा अनियन मैं गार्निशिंग के लिए रखा है। नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद दो बड़े चम्मच तेल। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से चिकन को लग जाए। इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए क्योंकि अच्छे से चिकन को मसाला लगना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम राइस को बॉईल करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, और फ्लेम मैंने यहाँ पे लो पे रखा है। उसके बाद डालेंगे एक चम्मच घी, घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले, और अब कम से कम आधे मिनट तक इसे हम इसमें पकाएंगे। मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालते वक्त फ्लेम को लो ही रखें। मैंने यहाँ पे पानी 3 गिलास यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे नमक, और अब पानी को उबाल आने देंगे।
और फ्लेम को हाई रखेंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब हम इसे 75% इस चावल को कुक करेंगे। कच्चा पका रहना चाहिए चावल और ज़्यादा पकना नहीं चाहिए पूरी तरह से, और इसे हाई फ्लेम पे इसे उबलने देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे चावल को 75% कुक कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे छान लेंगे इस पानी को इस तरह से। मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर ले लिया है और पानी को निकाल देंगे। अब मैंने इस तरह से सारे पानी का सारा पानी जो है चावल से निकाल दिया है और मैंने इस तरह से इसे प्लेट में रख दिया है। अब हम चलते अगले प्रोसेस में। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे कुछ अखे गरम मसाले, तेज़पत्ता, दालचीनी, फूल, काली मिरी, लौंग, शाहजीरा थोड़ा सा। अब इसमें इसे हम आधे मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसे। आधे मिनट बाद इसमें हम डालेंगे पटाटो, ये ऑप्शनल है। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें पकाएंगे। पोटैटो को हम लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसमें अच्छे से। देखिए पोटैटो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो मैरिनेट किया है मैंने आधे घंटे से। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए चिकन को, और इस तरह से बिना पानी डाले ही इसे 5 मिनट अच्छे से इसे हम फ्राई कर लेंगे इसमें। और फ्लेम को मीडियम ही रखें। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आधा ग्लास पानी लिया मैंने यहाँ पे, और अब हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे धनिया ऊपर से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे राइस इस तरह से। देखिए इस तरह से आपको इसको स्प्रेड करना है चावल को, और ध्यान रहे इसको प्रेस नहीं करना है। चिकन बिरयानी जो है बनाने के लिए सबसे आसान ट्रिक है और सबसे यूज़फुल ट्रिक है, आपको चावल को प्रेस नहीं करना है। आपको सिर्फ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से स्प्रेड करते रहना है। मैंने अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से जो मैंने फ्राइड अनियन किया था उसको मैंने बचा के रख दिया था, वो डालेंगे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए, क्योंकि बिरयानी इसे बहुत ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके बाद इसके ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच घी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसे ढक के रख देंगे। टोटल 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बाकी 5 मिनट इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। टोटल हमें इसे 10 मिनट तक पकाना है। देखिए टोटल 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका लिड हटाएंगे। वाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, एकदम परफेक्ट बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और चावल भी बिल्कुल अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से चेक करके पक चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है सर्व करने के लिए, और इस तरह से देखिए वाह बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। वाह बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनी है एकदम। देखिए इस तरह से मैंने इसे सर्व कर दिया है। अब थोड़ा सा जो है हरा धनिया इसमें डाल देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, डिश पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में आप देख सकते हैं कि बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी आपको मेरी रेसिपी की सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए हेल्दी खाओ और स्वस्थ रहो।